नमस्कार दोस्तों, आए दिन अदानी समूह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं। इस बार जो मुश्किल अदानी समूह के सामने खड़ी हुई है, इसके पीछे अहम भूमिका भारतीय बाजार नियामक सेबी की बताई जा रही है। दरअसल सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस आवेदन में सेबी ने कहा है कि वह अदानी समूह के पिछले 10 साल के बैंक खातों के विवरण की जांच करने वाली है। बता दें कि 29 अप्रैल को अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से और 6 महीने की मोहलत मांगी है। दरअसल हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि अदानी ग्रुप से जुड़े ऐसे 12 ट्रांजेक्शन मौजूद हैं जो कि फिलहाल संदिग्ध हैं, जिन्हें अदानी समूह द्वारा पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। जिसके बाद इस विषय में सेबी ने कहा कि ये सभी लेनदेन काफी जटिल हैं और इसकी जांच के लिए समय लगेगा। सेबी ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की जटिलता और महत्व को देखते हुए इसकी जांच गहराई से करनी होगी, जिसके लिए आमतौर पर 15 महीने से अधिक का समय लगता है, लेकिन हम जांच तेजी से कर रहे हैं। फिर भी इस मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम से कम और 6 महीने का वक्त चाहिए होगा। सेबी ने कहा कि इस जांच में 10 से अधिक वर्षों के लिए किए गए सभी लेनदेन के लिए कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से बड़े पैमाने पर बैंक विवरण प्राप्त करना और उसकी जांच करना शामिल होगा। आपको बता दें कि एक PIL के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी समूह के व्यवसायिक गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया था। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर अपनी एक नकारात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसमें अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे 88 गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद बाजार से लेकर राजनीति तक काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वह अदानी मामले में 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। हालांकि अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, फिर भी अदानी समूह को इस रिपोर्ट के आने के बाद भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।